बड़हलगंज थाना क्षेत्र में असलहा बनाने वाले गैंग का पुलिस ने खुलासा करते हुए 4 अभियुक्तों को गिरफ्तार कर लिया है। पुलिस लाइन सभागार में आयोजित पत्रकार वार्ता में एसपी साउथ ज्ञान प्रकाश चतुर्वेदी ने बताया कि बड़हलगंज थाना अंतर्गत नवलपुर बंधे के पास झोपड़ी में नाजायज तौर पर असलहा बनाकर वहीं से सप्लाई का काम किया जाता था। मुखबिर की सूचना पर पुलिस पार्टी द्वारा दबिश दिए जाने पर मौके से अभियुक्त मोरिक यादव पुत्र प्रहलाद यादव, गोविंद यादव पुत्र राधेश्याम, सोहन विश्वकर्मा पुत्र रमापति, अजय विश्वकर्मा पुत्र जयप्रकाश को गिरफ्तार कर लिया गया है, जिसके पास से 12 बोर का 3 तमंचा और 3 जिंदा कारतूस, 315 बोर का 1 तमंचा और 1 कारतूस, 1 ड्रिल मशीन, 2 चोरी की अपाची मोटरसाइकिल सहित अन्य सामान बरामद हुआ है। एसपी साउथ ज्ञान प्रकाश चतुर्वेदी ने बताया। इन लोग आगे रखिए। ये बड़हलगंज थाना अंतर्गत एसएसपी सर के द्वारा ये निर्देश दिया गया कि किसी तरह की किसी भी प्रकार के अपराधियों के खिलाफ जानकारी इकट्ठा की जाए, उसको मजबूत कंक्रीट के साथ कार्रवाई हो, गिरफ्तारी हो। इसके तहत हमारे एसओ बड़हलगंज को ये जानकारी मिली कि एक असलहा बनाने की फैक्ट्री उनके क्षेत्र में रुके छुपे तरीके से नवलगढ़ बंदे के पास कार्य कर रही है। इस सूचना पे इन्होंने कार्रवाई आरंभ की और उस कार्रवाई में इन्होंने 2 व्यक्तियों को इस आशय से गिरफ्तार किया कि वो लोग इस काम में लगे हुए थे। बिल्कुल सही सूचना थी। उनके पास तमाम इंस्ट्रूमेंट जो असलहा बनाने के लिए प्रयुक्त होते हैं वो प्राप्त हुए हैं और ये बहुत अच्छा काम ये रहा कि इसी में 2 व्यक्ति उसे क्रय करने के लिए, उसे खरीदने के लिए भी आए थे, उन दोनों की भी वही मौके पर गिरफ्तारी की गई। उसमें असलहा भी बरामद हुए हैं, इंस्ट्रूमेंट बरामद हुए तथा 1 अपाचे मोटरसाइकिल भी बरामद की गई है। संबंधित धाराओं में इनके विरुद्ध मुकदमा लिख करके आवश्यक कार्रवाई की जा रही है, जिसमें गिरफ्तार गोविंद जो है इसके बहुत विशेष आपराधिक इतिहास पता चला है। 2302 में ही रहा है, काफ़ी दुर्दांत है ये। इसकी क्रिमिनल हिस्ट्री हमने प्राप्त कर रखी है, सोहन की भी प्राप्त कर रखी, बाकी लोगों की क्रिमिनल हिस्ट्री तैयार की जा रही है और आगे भी इन पर आगे भी कार्रवाई की जाएगी। हाँ, जिन लोगों ने बताया है, जिन्हें बताया उन्हें हम लोगों ने चिन्हित कर लिया है और उस चिन्हीकरण के बाद इसको मेरी टीम गठित करके स्वयं उसका नेतृत्व करते हुए उस पर कार्रवाई कर रहे हैं। बहुत शीघ्र उसका भी खुलासा होगा।